वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो अगेन होने वाला है एक और मीशो हॉल। एंड आज मैंने मीशो से पिक किए हैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पर साड़ी, लहंगा, सूट, ज्वेलरी। बहुत ही अच्छा कलेक्शन है आज का, प्लस बहुत ही अफोर्डेबल है, डिजाइनर है। मीशो पे लिंक्स नहीं होते, कोड्स होते हैं। सभी के कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप वहाँ कुछ भी परचेज करना चाहते हैं तो आप वहाँ से कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मीशो डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कीजिए मेरे दिए हुए लिंक से, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप वहाँ से मीशो डाउनलोड करोगे तो आपको अपने फर्स्ट ऑर्डर पे फ्लैट 30% एंड 100 रुपीज का ऑफ देखने को मिलेगा। आज का वीडियो भी होने वाला है रीसेलिंग वीडियो। अगर आपको इनमें से कुछ भी परचेज करना है तो आपको क्या करना है, मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करना है। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ पे क्लिप देने का ट्राई करूंगी, वहाँ पे जाइए मुझे फॉलो कीजिए। लेकिन जल्दी इन 5 और 10 मिनट सोल्ड आउट हो जाता है तो बिल्कुल भी मिस मत करना। मीशो प्राइस एंड रीसेलिंग प्राइस मैं यहाँ पे मेंशन करती जाऊंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि बहुत ही खूबसूरत सा एक टॉप है, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, कल इसका वीडियो आया था, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके चेकआउट कर सकते हो। बहुत ही प्यारा टॉप है। अब जो फर्स्ट आउटफिट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये वाला लहंगा। एंड आप साइड में इमेज देख लेना, बहुत ही प्यारा लग रहा था। इसमें आपको दो कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, एक पीच कलर है, एक ग्रीन कलर है। पीच कलर में बहुत सारे लहंगा मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो मैंने सोचा आप ग्रीन कलर में लेके आती हूँ। मुझे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था देखने में, तो देखते हैं निकलता कैसा है। इस तरीके की आपको एक पैकेज भी देखने को मिल जाएगी। बहुत ही प्यारा सा लहंगा है देखने में तो, लेकिन मैंने अभी तक इसे खोल के नहीं देखा। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको लहंगा बताती हूँ। लुक एट दिस, ये वाला फुल मिरर वर्क में लहंगा मिलेगा, लेकिन जो मिरर इसमें यूज किया है वो रियल मिरर नहीं है, प्लास्टिक मिरर है। तो बिल्कुल आपको उसके कारण काफी ज्यादा लाइट वेट देखने को मिल जाएगा, लेकिन लुकिंग में तो आप देख सकते हैं ना कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये पूरा लहंगा आपको टेफेटा सिल्क फैब्रिक में देखने को मिल जाएगा, सेमी स्टिच लहंगा है। अंदर की साइड आपको लाइनिंग इसमें अटैच देखने को मिल जाएगी। इस तरीके की आपको वेस्ट देखने को मिलेगी, जो कि इसमें आप देख सकते हो फुल जरी का काम किया गया है, प्लस मिरर्स लगाए हुए हैं, फॉयल मिरर है ये वाले पर। बहुत ही प्यारा सा लहंगा है, कलर कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा खूबसूरत है, प्लस ये मिरर्स लगाए हुए हैं काफी अच्छे लग रहे हैं, प्लस पहनने के बाद लाइट वेट है और ये मिरर की क्वालिटी काफी अच्छी है, बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। कैन कैन नहीं मिलेगी इसमें, आपको कैनवास देखने को मिलेगा जिससे फ्लेयर काफी अच्छा आ जाएगा। लेकिन अगर आप कैन कैन लगवाना चाहते हैं तो डेफिनेटली लगवा सकते हैं, उससे और भी अच्छा फ्लेयर आ जाएगा। तो इस तरीके का आपको ये बहुत ही अफोर्डेबल सा लहंगा देखने को मिल रहा है। अगर मैं इसके फ्लेयर की बात करती हूँ, 3 मीटर के आसपास इसका फ्लेयर है और कैन कैन लगवाने के बाद इसका फ्लेयर काफी अच्छा आ जाएगा। लुकिंग में काफी अच्छा है, सिंपल है, सोबर है, ज्यादा चमक दमक नहीं है और बहुत ही अच्छे से इस पे जो है फॉइल मिरर लगाया हुआ है। तो इस तरीके का आपको ये वाला लहंगा देखने को मिल जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ इसका ब्लाउज एंड दुपट्टा। लहंगा है जो फुल मिरर का लहंगा है, तो ब्लाउज इन्होंने बिल्कुल प्लेन रखा है, ये आपको इस तरीके से अटैच देखने को मिल जाएगा पूरा। एंड 90 सेंटीमीटर के आसपास ब्लाउज मिलेगा, जो आपके एक्सेल डबल एक्सेल साइज में आराम से आ जाएगा। बस ब्लाउज के फ्रंट आपको इस तरीके का देखने को मिल जाएगा, जो कि फुल फॉइल मिरर वाला है, जो आपके फ्रंट में आएगा। तो ये है ब्लाउज का फैब्रिक। दुपट्टे का फैब्रिक इन्होंने इस तरीके का इसमें दिया हुआ है, ये है नेट का, मोनो नेट का फैब्रिक है। एंड पूरे पे आपको चारों तरफ इस तरीके का सेम बॉर्डर देखने को मिल जाएगा, काफी अच्छा ब्रॉड बॉर्डर है, मोनो नेट का दुपट्टा है तो काफी ज्यादा सॉफ्ट है। 2.25 मीटर का आपको पूरा दुपट्टा मिलेगा, फिर तरह तरह से आप इसे स्टाइल कर सकते हैं, उस अकॉर्डिंग काफी अच्छा है। एक अफोर्डेबल प्राइस में डिजाइनर लहंगा है, कलर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हैं। एंड इसकी भी मीशो प्राइस एंड रीसेलिंग प्राइस मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। तो ये है जो फर्स्ट लहंगा मैंने अब की बार मीशो से पिक किया है। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी इस वाले लहंगे के लिए, लेकिन है भी सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत, तो इस तरीके का आपको ये वाला लहंगा देखने को मिल जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ साड़ी। ये बहुत ही प्यारी साड़ी लग रही थी मुझे यार मीशो पे, मतलब एक हैवी लुक के लिए कुछ ट्रेडिशनल बिल्कुल साड़ी। तो इस तरीके की साड़ियाँ मैं बहुत कम शेयर करती हूँ आपके साथ, क्योंकि मैं नेट की साड़ियाँ ज़्यादा शेयर करती हूँ या फिर ऑरेंजा सिल्क की, लेकिन ये वाली साड़ी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, प्लस कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो ये इस तरीके की पैकेजिंग में देखने को मिल जाएगी। एंड अभी तक भी मैंने इसे खोल के नहीं देखा है, देखते हैं कैसी निकलती है। ओके,
तो आपको कुछ इस तरीके की ये वाली साड़ी देखने को मिल जाएगी। पहले तो आप कलर देख सकते हो, कितना प्यारा कलर है। ऑलिव ग्रीन कलर में आपको ये वाली साड़ी देखने को मिल जाएगी। बहुत ही प्यारा कलर कॉम्बिनेशन है इस वाली साड़ी का, प्लस इस पे जो काम किया गया है काफी अच्छा किया गया है। इस तरीके की आपको ये वाली साड़ी मिलेगी। ये है, इन्होंने आंचल दिया है इसका। अब मैं सबसे पहले आपको बॉर्डर दिखा देती हूँ। इस तरीके का बॉर्डर देखने को मिल जाएगा। इसमें पूरे पे सिक्वेंस, जरी एंड थ्रेड का काम किया गया है। पूरी साड़ी आपको ऐसे सिल्क फैब्रिक में देखने को मिल जाएगी, प्लस पूरे पे ये सिक्वेंस लगवाए हुए हैं, छोटे छोटे बूटे बनाए हुए हैं सिक्वेंस के। इतनी ज्यादा हैवी लग रही थी, मुझे लग रहा था जब आएगी और वेट में काफी ज्यादा हैवी होगी, क्योंकि काफी ज्यादा हैवी भी है, काम भी काफी अच्छा किया हुआ है इसके ऊपर। लेकिन अब जब मैंने इसे खोला देखा तो यार इसका जो फैब्रिक है ना, सिल्क फैब्रिक, इतना सॉफ्ट वाला है। एंड सबसे अच्छी बात है, बिल्कुल लाइट वेट साड़ी है, ऐसा नहीं है जितना लग रहा है ना उससे, तो बिल्कुल ही लाइट वेट साड़ी है। एंड इस समर्स के अकॉर्डिंग मैं सोच रही थी यार कि इतनी हैवी साड़ी मतलब परफेक्ट रहेगी नहीं रहेगी, लेकिन सच में इतना अच्छा फैब्रिक है इसका, लाइट वेट है, आप आराम से किसी भी फंक्शन में इसे पूरे दिन भर कैरी कर सकते हो। एंड इस तरीके की आपको ये वाली साड़ी देखने को मिल जाएगी। ये है, ये यहाँ तक इसका आंचल है, और नीचे आपको इस तरीके का बॉर्डर देखने को मिल जाएगा, सेम जो आंचल में दिया हुआ है। पूरे पे सिक्वेंस लगाए हुए हैं गोल्डन कलर के, और काफी अच्छे से लगाए हुए हैं, स्टिच किए हुए हैं काफी अच्छे से, जो बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। पूरे पे जरी का काम देखने को मिल जाएगा आपको। एंड इस तरीके की आपको ये वाली पूरी साड़ी देखने को मिल जाएगी। मैं आपको बताती हूँ इसका ब्लाउज, जो कि बहुत ही प्यारा है, इन्होंने ब्लाउज इसमें दिया हुआ है। हैवी ब्लाउज आपको देखने को मिल जाएगा, ये भी आपको सिल्क फैब्रिक में देखने को मिल जाएगा, काफी हैवी ब्लाउज है। एंड फ्रंट देखिए आप इसका कितना प्यारा है, आप उसे वैसे की वैसे स्टिच करवा सकते हैं जैसे पिक में दिया हुआ है। ये फ्रंट के लिए इन्होंने दिया हुआ है, ये स्लीव्स के लिए इन्होंने दिया हुआ है, बैक के लिए इन्होंने बिल्कुल प्लेन फैब्रिक दिया हुआ है। ब्लाउज का फैब्रिक भी काफी ज्यादा सॉफ्ट है, टोटल मिला के 90 सेंटीमीटर के आसपास फैब्रिक होगा। तो आप अगर डबल एक्सल एक्सल साइज में भी है तो भी आपके ये आराम से आ जाएगा। स्लीव्स भी काफी अच्छी बन जाएगी, इसमें हैवी स्लीव्स, हैवी फ्रंट देखने को मिलेगा। तो लुकिंग वाइज ये वाली साड़ी पहनने के बाद काफी अच्छा लुक आएगा। अगर आप किसी भी शादी फंक्शन में, अपने खुद की भी शादी है ना, उस अकॉर्डिंग में लेना चाहते हो, एक बहुत ही अच्छी सी पार्टी वेयर साड़ी है, डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। तो ये है जो नेक्स्ट मैंने पिक किया। अब जो नेक्स्ट मैंने पिक किया है वो है एक सूट, जो कि रीजन ये था पिक करने का क्योंकि उसके जो टसल्स हैं इतने बड़े बड़े हैं और इतने प्यारे लग रहे हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, बिल्कुल सिंपल सूट है लेकिन लुकिंग वाइज बहुत ज्यादा अच्छा है। प्लस किसी कैसे भी फंक्शन से लेकर कैजुअल में भी आप इसे कैरी कर सकते हो, उस अकॉर्डिंग काफी अच्छा लुक है इसका। सबसे पहले तो आप इसके टसल्स देख लो एक बार, जो कि आपको बैक में देखने को मिलेंगे। लुक एट दिस, बहुत ही प्यारे टसल्स हैं, इतने बड़े बड़े आपको टसल्स देखने को मिल जाएंगे। प्लस इस पे है गोटा लगाया हुआ है, गोटे का फ्लावर अटैच किए हुए हैं सब पे। काफी अच्छे हैवी टसल्स हैं जो कि आपके बैक में आएंगे, फुल लुक आपको साइड में क्लियर हो जाएगा। ये आपको पूरा जो सूट है ये क्रैप एंड रेयॉन फैब्रिक मिक्स में देखने को मिल जाएगा, जो कि समर्स के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा परफेक्ट है। ये लैवेंडर कलर काफी ज्यादा अच्छा लगता है, बिल्कुल ऐसे समर्स में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। बहुत ही अच्छा एप्रोप्रिएट कलर है ये वाला समर्स के अकॉर्डिंग। एंड इस तरीके की आपको फ्रंट देखने को मिल जाएगी, जिसमें गोटा लगाया हुआ है सिल्वर कलर का। एंड बैक साइड आपको राउंड देखने को मिलेगा बैक, और प्लस इसमें आपको इतने बड़े बड़े टसल्स देखने को मिल जाएंगे। फ्लेयर वाला कुर्ता है, बहुत ही प्यारा है, फ्लेयर काफी ज्यादा अच्छा है इस वाले कुर्ते का। फैब्रिक काफी ज्यादा सॉफ्ट है एंड समर्स के अकॉर्डिंग परफेक्ट है। ये वाला जो इसमें मैंने साइज परचेज किया है वो है मीडियम, इसमें आपको सारे साइज मिल जाएंगे, स्मॉल साइज नहीं है इसमें, इसलिए मैंने मीडियम परचेज किया है। इसमें आपको इतना प्यारा सा खूबसूरत सा ये वाला कुर्ता देखने को मिलेगा। अब मैं आपको बताती हूँ इसका, बताती हूँ आपको बॉटम एंड दुपट्टा। तो सबसे पहले मैं आपको दुपट्टा दिखाती हूँ, जो की बहुत ही प्यारा है। ये आपको इस तरीके का लाइट लैवेंडर कलर में देखने को मिलेगा, क्योंकि कुर्ता है वो डार्क लैवेंडर कलर में है। दुपट्टा इन्होंने बिल्कुल लाइट कलर में रखा है, जो कि इतना अच्छा लगता है लगाने के बाद, कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा अच्छा है। एंड पूरा आपको फ्लोरल प्रिंट में दुपट्टा देखने को मिल जाएगा, चारों तरफ इसमें आपको गोटे की लेस लगाई हुई है। यहाँ पे आपको चारों तरफ टैसल्स देखने को मिल जाएंगे, पूरे पे ये प्रिंट किया हुआ है। एंड लुकिंग वाइज काफी अच्छा लग रहा है, डिजिटल प्रिंट बहुत प्यारा लगता है यार। पूरा 2.25 मीटर का आपको दुपट्टा मिलेगा। इन्होंने इस तरीके का इसमें बॉटम दिया हुआ है, जो कि ये आपको स्ट्रेट पैंट देखने को मिल जाएगी, इलास्टिक वाली, सेम लैवेंडर कलर में। और इलास्टिक वाली है तो समर्स के लिए काफी ज्यादा कंफर्टेबल भी रहेगी। एंड लुक एट दिस, इस तरीके का मतलब प्लाजो भी बोल सकते हो, पैंट भी बोल सकते हो, लेकिन ज्यादा ब्रॉड नहीं है, स्ट्रेट में ही देखने को मिलेगा। तो इस तरीके का आपको बहुत ही कंफर्टेबल सा इसमें बॉटम देखने को मिल जाएगा। अब नेक्स्ट आपके लिए लेके आई हूँ मैं, वो है एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी ब्लैक साड़ी।
और फॉल हो और ब्लैक साड़ी भी हो तो यार फिर मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ब्लैक कलर मुझे बहुत पसंद है एंड ये वाली साड़ी मुझे काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल लग रही थी, तो मैंने सोचा कि यार आपके साथ शेयर करना बनता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कॉमेंट आ रहे थे कि दी अफोर्डेबल प्राइस में डिज़ाइनर साड़ी शेयर करो, तो उस अकॉर्डिंग एंड ये साड़ी में जो नेट फैब्रिक की है तो समझ के अकॉर्डिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो इस तरीके की आपको ये वाली साड़ी देखने को मिल जाएगी, पैकेजिंग आप देख सकते हो एंड काफ़ी कलरफुल है, ब्लैक के साथ ये कलर्स है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, तो मैं आपको खोल के बताती हूँ। अभी तक तो मैंने भी नहीं देखी है लेकिन पिक में देखने पे इतनी प्यारी लग रही थी, डिज़ाइनर लग रही थी। इस तरीके का आपको आँचल देखने को मिलेगा, एक तो ये काफ़ी लाइट वेट साड़ी है क्योंकि ये नेट फैब्रिक में है एंड पूरे पे जो काम किया गया है ना आप देख सकते हो, पूरा जरी वाले थ्रेड का काम किया गया है, प्लस ये वाला है जो पूरा जरी का काम किया गया है, और ले देती हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा और कितना नीटली किया हुआ है, और ये ट्रायंगल वाला जो डिजाइन है ना पैटर्न काफी ज्यादा खूबसूरत एंड यूनिक लग रहा है। तो इस तरीके का आपको इसमें आंचल देखने को मिल जाएगा, आप देख सकते हो ट्रांसपेरेंट है क्योंकि नेट फैब्रिक है, पूरा बॉर्डर आपको इस तरीके का देखने को मिल जाएगा एंड लुक एट दिस साड़ी, पूरे पे छोटे छोटे बूटे लगाए हुए हैं, नीचे की साइड आपको पूरा ऐसा कलरफुल बॉर्डर देखने को मिल जाएगा, फुल लुक आप देख लेना आपको साइड में क्लियर हो जाएगा एंड इतना सा जो पार्ट है ना आपको प्लेन मिलेगा जब आप ड्रैप करते हो तो वो आपके अंदर की साइड आता है। और इसमें ब्लाउज के लिए इन्होंने इस तरीके का पिंक ब्लाउज दिया हुआ है मर्जेंटा कलर का, इसमें तो आप कोई सा भी ब्लाउज पहन सकते हो क्योंकि इसमें इन्होंने काफ़ी सारे कलर्स यूज़ किए हुए हैं, मल्टी कलर साड़ी है तो आप इसमें गोल्डन येलो ग्रीन पिंक कुछ भी पहन सकते हो, तो उस अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी है, डिजाइनर साड़ी है, कि वो है 90 सेंटीमीटर का जो कि आपकी एक्सल डबल एक्सल साइज में आराम से आ जाएगा, फैब्रिक है इसका टफेटा सिल्क, तो उस अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा है, ये आपको अटैच साड़ी में देखने को मिल जाएगा। लुकिंग वाइज ये साड़ी बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट लग रही है, तो डेफिनेटली एक अफोर्डेबल प्राइस में बहुत ही अच्छी एक पार्टी वेयर साड़ी है, बिल्कुल भी मिस मत करना। इसमें आपको कलर ऑप्शन मे बी मीशो पे काफ़ी सारे दिए हुए हैं लेकिन मुझे सबसे अच्छा कलर ये लग रहा था, पर आप अपने अकॉर्डिंग देख के चेकआउट कर सकते हैं, इसकी भी मीशो प्राइस एंड रीसेलिंग प्राइस में यहाँ पे कर दूंगी तो आप जाके देख लेना। अच्छा नेक्स्ट और लास्ट मैंने पिक किया वो है ये बहुत ही खूबसूरत सी ज्वेलरी जो कि बहुत ही प्यारी है, स्टेटमेंट नेकलेस है, तो मुझे उस अकॉर्डिंग काफी अच्छा लगा एंड प्राइस के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा वर्थ इट लगा, तो मैं इस आपके साथ शेयर करती हूँ। इस तरीके की पैकेजिंग में देखने को मिल जाएगा एंड सेम कुछ कुछ इस तरीके का मैंने आपके साथ पहले भी एक नेकलेस शेयर किया हुआ है, लेकिन ये वाला मैंने फिर से परचेज किया बिकॉज बहुत ही प्यारा है, और मेरे पास है ना शॉर्ट में चोकर वगैरह काफ़ी हो गए लेकिन लॉन्ग में अभी ऐसा कुछ था नहीं, तो मैं बहुत ही जल्दी आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे लॉन्ग नेकलेस लेके आने वाली हूँ जो अभी अभी मीशो पे न्यू आए हैं, न्यू पैटर्न है, लेटेस्ट है, तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो विथ बेल आइकन, नहीं तो आपका ही नुकसान होगा क्योंकि आपको टाइम पे वीडियो नहीं मिलेगी, फिर आपसे प्रोडक्ट मिस हो जाते हैं या फिर आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, ना ही आप उन्हें रीसेलिंग में परचेज करने कर सकते हो, तो मिस मत करना, साथ ही सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिले, और अगर आपको टाइम से नोटिफिकेशन भी नहीं मिल रहा है तो डेली मेरी वीडियो आती है 2 बजे, तो यार बिल्कुल भी मिस मत किया करो, फिर आप शाम को देखते हो, मॉर्निंग में देखते हो, नेक्स्ट डे देखते हो, तो उससे होता क्या है ना तो आपको फायदा होता है क्योंकि प्रोडक्ट भी आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, ना ही आप रीसेलिंग की वीडियो देख पाते हो। तो इस तरीके का आपको बहुत ही प्यारा सा लॉन्ग नेकलेस देखने को मिल जाएगा, एक स्टेटमेंट पीस है, लुक एट दिस काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, ब्यूटीफुल है, लुकिंग वाइज काफी अच्छा है, यहाँ पे आपको कलरफुल थ्रेड का काम किया गया है, आप इसे कितना भी लॉन्ग कितना भी शॉर्ट अपने अकॉर्डिंग पहन सकते हो और प्राइस के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा वर्थ इट है, फुल लुक आपको साइड में क्लियर हो जाएगा। तो इयर रिंग्स इसके साथ में नहीं आए हैं, तो अगर आप चाहते हो स्टेटमेंट ज्वेलरी परचेज करना इन अफोर्डेबल प्राइस में, क्योंकि ये वाली ज्वेलरी ऐसी होती है बहुत कम लोगों के पास होती है एंड आपके वार्डरोब में ऐसा कलेक्शन भी होना चाहिए, तो ये है जो नेक्स्ट और लास्ट मैंने पिक किया है। एक चीज मुझे आपको बतानी थी कि मैंने गिवअवे के विनर्स अनाउंस नहीं किए हैं लास्ट मंथ के, क्योंकि मैं नेक्स्ट गिवअवे में ही उसके विनर्स अनाउंस करूंगी, और अगली बार का जो गिवअवे है वो कभी भी आ सकता है इन 2 or 3 days, तो एक भी वीडियो मिस मत करना, विद बेल आइकन सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि अब की बार के जो प्राइस है वो है 1,000 के 5 वाउचर, 1,000 रुपए के 5 वाउचर आपको मिल जाएंगे एंड टोटल आपको 5,000 रुपीज के गिफ्ट देखने को मिलेगी, आप 1,000 से कुछ भी शॉपिंग कर सकते हो। तो मैं 5 विनर्स अनाउंस करूंगी, पर को 1,000 का वाउचर मिलेगा एक, तो टोटल हो गए 5,000, तो बिल्कुल भी मिस मत करना ये अपॉर्चुनिटी। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ, चैनल पर नहीं हो चैनल सब्सक्राइब कर दो जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आपसे गिव अवे भी मिस नहीं होगा, और इनमें से सबसे ज्यादा अच्छा आउटफिट कौन सा लगा कॉमेंट करके बताना। तो चलिए अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।